लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो लिंक्ड लिस्ट में मीन्स लिंक्ड लिस्ट हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये तो हमें पता है, ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसके क्या यूजेज होंगे वो देखते हैं। ओके, तो लिंक्ड लिस्ट के पहले जो हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे वो स्टैक था, क्यू था, एरे था। ओके, तो एक एरे से कंपैरिजन इसका देखते हैं कि एरेज और लिंक्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो जैसा कि हमको पता है कि एरेज में जो मेमोरी एक्वायर की जाती है या जो मेमोरी यूज होती है या जो मेमोरी ली जाती है वो कैसी होती है, कंटिगुअस मेमोरी होती है। मींस आपने कहा कि इंट ए 50, तो आपने क्या किया, 50 मेमोरी सेल्स इंटीजर टाइप की कंटिगुअस मेमोरी एक्वायर कर ली। ओके, तो यहां से देखिए एरे में क्या होता था, अगर एरे का एडवांटेज देखें तो कहता था कि यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एरे इन कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस अलाउड है। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है, इस तरह की एक एरे बनी हुई है, आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाइए और डायरेक्ट उस इंडेक्स पे जाके उसका कंटेंट आप पिक कर सकते हैं। ओके, लेकिन अच्छा ये यहां पर कैसे जा सकते हैं, ये एरेज में इस मेमोरी लोकेशन पे जाने का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। ये जो पूरी मेमोरी है 50 मेमोरी सेल की, ये कंटिगुअस है, तो इसी वजह में कंटिगुअस होने की वजह से रैंडम एक्सेस इसमें अलाउड है। मींस किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाइए और डायरेक्ट उसका डेटा यूज कीजिए, उसको अपडेट की जो भी करना है उस डेटा के साथ आप कीजिए। ओके, अब देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या है एरे की, नीड्स कंटिगुअस मेमोरी। अगर ये 50 मेमोरी सेल की कंटिगुअस मेमोरी अवेलेबल नहीं है और आपने सिस्टम को रिक्वेस्ट कर रखी कि मुझे 50 मेमोरी सेल्स चाहिए, अगर उतनी मेमोरी नहीं है तो आपकी रिक्वेस्ट क्या होगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नॉट अवेलेबल देन रिक्वेस्ट फॉर अलोकेटिंग मेमोरी विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट का, जनरली द साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड। मींस अगर आप इस तरह लिख करके कोई सिंटैक्स आप मेमोरी एक्वायर करना चाहते हैं तो ये है एरे ए और ये एरे एक ऐसी है स्टैटिक एरे है। बिफोर एग्जीक्यूशन आपको ये 50 मेमोरी सेल्स चाहिए। ओके, तो कहता है कि ये साइज फिक्स्ड है, अगर आपने एक बार 50 मेमोरी सेल्स एक्वायर कर ली तो आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं स्टैटिक एरे के इंप्लीमेंटेशन। ओके, तो कहता कि अगर इस वजह से होता क्या है कि मेमोरी का वेस्टेज होता है, मींस आपने 50 मेमोरी सेल्स ले ली लेकिन आपने सिर्फ 20 मेमोरी सेल्स यूज की, 30 मेमोरी सेल्स वेस्ट हो गए। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपने 50 मेमोरी सेल्स एक्वायर करी लेकिन आपको नीड है 70 मेमोरी सेल्स की, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब आप स्टैटिक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करने जा रहे हैं तो आपको अपनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट बिगिनिंग में पता है, ऐसा अजम्पशन लिया जाता है, तो जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे तो ज्यादा की ही ये मेमोरी आप रिक्वेस्ट करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंसर्ट, नेक्स्ट पॉइंट है नो बाउंड चेकिंग। ये नो बाउंड चेकिंग का मतलब क्या है, सपोज करिए आपने क्या किया है, 5 मेमोरी सेल की इस तरह से आपने 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 मेमोरी सेल्स एक्वायर करी, ये 5 मेमोरी सेल्स इस तरीके से हैं। अब आपने क्या कहा,
आपने कहा इसमें डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, सपोज करो यहाँ 10 इंसर्ट करवाया, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, और आपने क्या किया, बाई मिस्टेक आपने डेटा जो इंसर्ट कराने के लिए लूप लगा रखा था, आपने फिफ्थ इंडेक्स पर ए ऑफ 5 पर भी आप कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एरे ए ये है, इस एरे का नाम ए है, तो वो यहां पर जा करके क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एरे में कोई बाउंड चेकिंग नहीं है, कोई ये बताने वाला नहीं है कि आपकी एरे यहां पर खत्म हो रही है। ओके, नो बाउंड चेकिंग, जो अपर बाउंड है या जो लोअर बाउंड है ये कोई बताने वाला नहीं है, कि रोकने वाला नहीं है कि यहां इसके पहले आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं या इसके डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं और इसके बाद यूज नहीं कर सकते हैं, ये कोई बताने वाला नहीं। ओके, तो ये यहां पर जाकर के डेटा को मींस डेटा को स्टोर करवा देगा। अगर आप तुरंत ही प्रोग्राम में फिर से क्या करते हैं, इस मेमोरी लोकेशन को फिर से इसको इसमें डेटा इंसर्ट करा दिया, सपोज करो इंसर्ट कराया 60 इंसर्ट होगा बिना किसी सिंटैक्स एरर के। अब आप इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, आपने यहां इंसर्ट 60 कराया था, चूंकि बाउंड चेकिंग नहीं है तो आप ए के नाम से ही एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इस लोकेशन पे जाएगा। क्या क्या पॉसिबल है, या तो कोई गार्बेज वैल्यू आ जाए आउटपुट में, अगर इसकी वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं इंसर्ट कराने के बाद, इमीडिएट बाद, ठीक है, तो यहां पर इससे कोई गार्बेज वैल्यू आ सकती है, 60 भी आ सकती है, ओके, और कोई मेमोरी एरर भी आ सकती है। 60 कैसे आ सकती है, कि इस मेमोरी को भी कोई यूज नहीं कर रहा है, इस पर आपने 60 इंसर्ट किया था अभी भी 60 पड़ा हुआ है। कोई दूसरी वैल्यू कैसे आ सकती है, गार्बेज वैल्यू, कि इस मेमोरी लोकेशन में किसी दूसरे ने इस कंटेंट, इस लोकेशन को यूज किया, अपना कंटेंट अपडेट किया और मेमोरी को रिलीज कर दिया। तीसरी एक सिनेरियो और हो सकती है कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को यहां से यहां तक किसी ने एक्वायर कर लिया, अब आप दूसरे की मेमोरी लोकेशन को जाकर के एक्सेस करना चाह रहे हैं तो मेमोरी एरर आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बाउंड चेकिंग ना होने की वजह से ऐसा हो। ओके, तो ये नो बाउंड चेकिंग के केस में मींस केयरफुल रहने की नीड है, तो एरे में ये भी एक प्रॉब्लम थी। इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशंस आर एक्सपेंसिव, यहां पर जब हम बात करते हैं एक्सपेंसिव की तो वो एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ, वो एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वो एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम और स्पेस। ओके, तो यहां से कह रहा है कि इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस आर एक्सपेंसिव। देखो मैं दिखाता हूं, मैंने कहा सपोज करो ये मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, आप मैं इसको जीरो से स्टार्ट कर लेता हूं एरे को। मैंने कहा एक मेरे पास एरे थी 6 एलिमेंट की, ओके, जिसमें ऑलरेडी जो एलिमेंट पड़े थे 10 20 30 40 50 एंड 60। अब आपने कहा कि, और देख रहे हैं आप ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में है, आपने कहा आपको इंसर्ट करना है 15, सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट कीजिए। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट इसमें ऑलरेडी हैं और आपको 15 इंसर्ट करना है बट इन सॉर्टेड ऑर्डर, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शिफ्ट दीज एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to 5 वन सेल अहेड। और अगर आप देखें, अगर टोटल साइज n था, एक एलिमेंट को छोड़ करके आपने n-1 एलिमेंट को शिफ्ट किया है, तो वर्स्ट केस में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम कितना हो जाएगा, बिग ऑफ n हो जाएगा। ओके, अगर आपने ऐसा किया है तो बिग ऑफ n टाइम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको सपोज करो कोई कह देता है इसमें डिलीट करना है किसी एलिमेंट को, आपने कहा 20 को डिलीट करना है, ओके, 20 को डिलीट करना है, अगर 20 को डिलीट करने को कोई कह दे रहा है, अगर 20 को डिलीट करने को कोई कह दे रहा है तो क्या करेंगे आप,
ये एलिमेंट आप यहां से मींस डिलीट कर देंगे, मतलब ये एलिमेंट अब नहीं है। एलिमेंट तो एक्चुअल में वही पड़ा हुआ, लेकिन डिलीट का मतलब है कि इस मेमोरी लोकेशन को हमें ये शो करना है कि इसमें कुछ कंटेंट नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये जितने एलिमेंट आगे हैं इन सबको क्या करेंगे, पीछे शिफ्ट करेंगे। और अगर आपने शिफ्ट किया तो वर्स्ट केस में एन माइनस वन एलिमेंट बैक साइड में बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे वन मेमोरी सेल ईच। तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एक एलिमेंट के डिलीट करने की। हाँ, ये तभी है जब एरे क्या है, शॉर्टेड ऑर्डर में। तो बिग ऑफ एन इस केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एक एलिमेंट को डिलीट करने की। ओके, इसी तरीके से सपोज करो मैं अपडेट की बात लूं, मैंने कहा अपडेट करना है किसी एलिमेंट को, किसी एलिमेंट को अपडेट करना, मैंने कहा इस 20 को अपडेट करना है 70 से, 20 को एलिमेंट 20 को अपडेट करना है 70, और ये एरे क्या है, शॉर्टेड, असेंडिंग शॉर्टेड ही है। अगर आपने इस 20 को 70 किया तो अब 70 की लोकेशन यहां पर है, तो आप क्या करेंगे, इस 20 की लोकेशन को खाली कराएंगे, इन सबको एक एक एलिमेंट बैक करेंगे और 70 यहां पर 60 की जगह पर 70 रिप्लेस करें। ओके, इसका मतलब इस केस में भी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, लीनियर टाइप की हो गई, बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो ये तो था एरे का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप देखें, कहते हैं कि एरे इज फिक्स्ड, साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड, ये साइज ऑफ एरे तभी फिक्स्ड है जब आप उसका स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आप चाहें तो एरे का डायनामिक इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो एरे का डायनामिक इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। डायनामिक इंप्लीमेंटेशन का मतलब आप एरे के साइज को रन टाइम पर रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन बहुत ही कॉस्टली होगा। ओके, कॉस्टली होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, मेमोरी तो एक्वायरी कर रहा है। ओके, तो ये था एरे का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और एरे से ही हम आगे बढ़ रहे हैं लिंक लिस्ट की तरफ। लिंक लिस्ट को देखिए, कहता है कि एरे की तरह है, जैसे कि एरे होती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट भी क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, कहता है लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट कंटिगुअस मेमोरी। कहता है जैसे एरे को क्या किया जाता है, एरे के लिए हमें कंटिगुअस मेमोरी की नीड होती है। कहता है लिंक लिस्ट के लिए कंटिगुअस मेमोरी नहीं चाहिए, ये इसका एडवांटेज है। ओके, और देखते हैं कि इस पे क्या मींस क्या इसका एडवांटेज है लिंक लिस्ट का, हम क्यों लिंक लिस्ट यूज करने जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं, कहता है कि जो लिंक्ड लिस्ट है उसमें एडवांटेज क्या है, कहता है रन टाइम पर ये ग्रो या श्रिंक कर सकती है। मतलब जैसे अभी आपने एरे का इंप्लीमेंटेशन देखा, एरे का मींस पॉइंट्स देखे, तो एरे में कहा गया कि स्टैटिक है, आपको बिफोर एग्जीक्यूशन उसका स्पेस बताना पड़ेगा, एंड अदरवाइज बहुत कॉस्टली है अगर रन टाइम आप बनाते हैं एरे को। ओके, तो ये लिंकलिस का ओवर एरेज एक एडवांटेज है कि ये क्या रन टाइम पर ग्रो या श्रिंक कर सकती है और कॉस्ट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो ये पहला पॉइंट है, डायनेमिक साइज, कंटिगुअस मेमोरी नॉट नीडेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे कि एरेज में आप रैंडम एक्सेस करते थे, कहता है लिंक्ड लिस्ट में आपको रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, वो अभी आपको मैं इसका स्ट्रक्चर, इसका
स्ट्रक्चर दिखाऊंगा किस तरह की लिंक लिस्ट दिखती, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है, ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस अलाउड। यहां पर ये सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये ना समझा जाए कि एक नोट के बाद दूसरा नोट के बाद तीसरा नोट के बाद चौथा नोट, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है आपको आप डायरेक्टली जो रिक्वायर्ड नोड है। अच्छा, यहां इसको कंटिन्यू करने से पहले देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट दिखती कैसी है। लिंक लिस्ट में कुछ इस तरह से नोड्स होते हैं, ओके, ये कुछ इस तरह से नोड्स होते हैं और इस तरह से ये लिंक लिस्ट दिखती है। तो ये लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है और सपोज करो इसका एड्रेस 10 है, तो मैं ये 10 यहां रखा लेता हूं, इसका एड्रेस 20 है, 30 है, 40 है, ये इसका डेटा पार्ट है। सपोज करो यहां ए स्टोर है, ये एड्रेस पार्ट है। एड्रेस पार्ट का मतलब नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। यहां पर ये 30 है, ये नोड क्या है, यहां पर डेटा होगा इसका, इस नोड का डेटा बी, और इस नोड के नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहां होल्ड कराया जाएगा, स्टोर कराया जाएगा 30 सी, और यहां मैंने 40 कर दिया डी, और यहां नल कर दिया। नल क्यों कर दिया, कि ये अब किसी नेक्स्ट को पॉइंट नहीं कर रहा। तो ये क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट का एक मैंने दिखाया कि कैसे दिखती है, ओके। तो कहता है ये लिंक लिस्ट जो है, ये जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ये रन टाइम पर एक्वायर किए गए हैं और ये कंटिगुअस नहीं है, ये पूरी मेमोरी में कहीं पे भी हो सकते हैं। उस जगह का एड्रेस हमने ये यहां पर ले लिया है, ओके, उस जगह का एड्रेस हमने यहां पर ले लिया है। अब मैं आपको बता रहा था सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है आप जैसे सपोज करो आप इस नोड के डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस पे जाएं, फिर इस पे जाएं, फिर इस पे जाएं और फिर इस पे जाएं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस पे जाएं, इसके बाद इस पे जाएं, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं, ऐसे करके भी कर सकते हैं। मींस हर दो नोड के बाद आप स्विच कर सकते हैं, तो ये भी सिक्वेंशियल एक्सेस ही है। मींस डायरेक्टली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, अगर रैंडम एक्सेस होती तो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लेते, ओके। लिंक लिस्ट में सिक्वेंशियल एक्सेस अलाउड है, ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस, ओके। एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर पॉइंटर्स, जैसे कि एरे में कहा गया कि मेमोरी का वेस्टेज है, आपने 50 मेमोरी सेल्स एक्वायर करी, आपने 20 यूज करी, 30 वेस्ट हो गई, कहता है यहां पर भी मेमोरी वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ दीज पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का मतलब जो एड्रेस को होल्ड कर रहा है। तो ये क्या पॉइंटर है, किसका, पॉइंटर टू अ नोड, मतलब इस जगह पर एड्रेस रखा हुआ है एक नोड का। तो ये जो पॉइंटर्स हैं इन ईच नोड, ये क्या है, ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, ठीक है। लेकिन कहता है ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट मेमोरी नहीं है, तो इस वजह से हम इसको इग्नोर मार देते हैं, या जो भी लोग इसको यूज करते हैं लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को, इसको इग्नोर मार देते हैं। लेकिन ये डिसएडवांटेज तो है। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी सर्च इंप्लीमेंटेशन इज नॉट इफिशियंट। आपने आपको मैं बाइनरी सर्च पढ़ा चुका हूं, ओके, अगर नहीं है तो आप पिछले लेक्चर्स मेरे देखिए, तो वहां पर आपको बाइनरी सर्च पता चलेगी क्या होती है। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, पहले नोड की इंडेक्स और लास्ट नोड के इंडेक्स से हम मिड नोड की इंडेक्स निकालते हैं। अपने जिस एलिमेंट को सर्च करना होता है उसको मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर जिस नोड द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, इफ दैट एलिमेंट इज स्मॉलर देन दिस मिडिल एलिमेंट, देन यू विल सर्च इन द लेफ्ट पार्ट एंड अदरवाइज इन द राइट पार्ट, एंड इफ मैच्ड देन स्टॉप द बाइनरी सर्च। तो कहता है इसमें ये इंडेक्स और ये इंडेक्स, या कह लीजिए साइज की नीड पड़ेगी मुझे, ओके, और वो साइज बार बार कैलकुलेट करना इसमें उतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से ये अगर इसमें बाइनरी सर्च लगाई जाए तो इंप्लीमेंटेशन टफ है, कॉम्प्लेक्स है, ओके। अब यहां पर लिंक लिस्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट में टाइप्स, लिंक लिस्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह की लिंक लिस्ट होती है, टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट्स,
एक तो होती है सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ओके। दूसरी होती है सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। देन डबली लिंक्ड लिस्ट, ओके, डीएलएल भी बोलेंगे इसको। और नेक्स्ट क्या होती है, डबली लिंक्ड लिस्ट, इसके बाद सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। तो ये चार तरह की लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे। लेकिन याद रहे, आपके एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव कोडिंग में ज्यादातर यूज सिंगली लिंक्ड लिस्ट का होगा, ओके। सो विल मोर एम्फेसाइज ऑन सिंगली लिंक्ड लिस्ट ओनली। तो ये थे टाइप्स लिंक्ड लिस्ट के, एक-एक मैं खत्म करूंगा इनको, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या होता है इनमें। नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑन लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट पे ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म होते हैं? पहला ऑपरेशन इंसर्शन, लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन करना है। दूसरा ऑपरेशन डिलीशन, डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिंक्ड लिस्ट। तीसरा क्या होता है, अपडेशन। और एक चौथा भी होता है क्या, ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग ऑफ लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। इसमें से अगर आपको ये ट्रैवर्सिंग समझ में आ गई तो ये सब बहुत इजी है, ओके, एंड दैट्स डन।